तो गुड मॉर्निंग YouTube फैमिली। सो फाइनली अपना इंडिया बाइक वीक का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है एंड टुडे इज सिक्स और कल सेवेंथ है। सो हम लोग एक दिन का जो एक लीजर टाइम और ब्रेक लेने वाले हैं। सो गाइस देख सकते हो पीछे बहुत बड़ा लाइनअप है। पहले तो मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूँ। सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 बाइक्स विद अस। सो यू कैन सी ईच एंड एवरी बाइक। यहाँ पे है अपना मेगाट्रॉन, अ लॉट ऑफ बाइक्स, ओके। सो गाइस ये वाला पूरा का पूरा जो जर्नी है मैं कवर करने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट जो है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। और एक ट्रेडिशनल वीडियो जो रहता है उस हिसाब से ये वाला ब्लॉग नहीं शूट करने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं एंड वही अपना जर्नी का ड्यूरेशन एंड वो सारा चीज़ ये ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के एंड तक। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और एक लाइक जरूर करना। ओके चलिए गाइस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यार बहुत ठंडी है। वाओ बाय बाय। अपने स्कूल के दिन याद आ गए यार। मतलब क्या दिन थे यार वो। और एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ, वो टाइम पे ऐसा होता था कि अगर स्कूल जाते टाइम अगर कभी कोई सुपर बाइक वगैरह देख लिया ना तो स्कूल में थोड़ा भी ध्यान नहीं लगता था। बहुत अलग दिन थे यार। सो बड़ी मुश्किल से अभी यहाँ पे पूना के स्टार्ट में पहुँचे हम लोग और एकदम बोलते ना एकदम बकवास राइड हुआ यहाँ तक का, क्योंकि ट्रक वाले लोगों ने ना पूरा मतलब पूरा तहलका मचा दिया था हाईवे पे एंड बहुत ही बुरी तरीके से चला रहे थे। ओवरटेक करने को भी मिल नहीं रहा था, विजिबिलिटी लो था, इसके लिए हम लोग ने कुछ इतना स्पीडिंग वगैरह भी था नहीं। सो देखो गाइज अभी एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ एक जस्ट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए रुके सब लोग। भाई तुम्हारा गाड़ी एवरेज बहुत देने वाला है। दो टैंक में पहुंच जाओगे तुम। एक टैंक में ना अपने को ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर पहले फिल करना। ग्रेट ग्रेट गाइज, मेरे को अपना 250R बहुत याद आ रहा है इसको देख के। क्या बात है भाई, दिसंबर का एक्चुअल फील है ना अभी आया है पूना छोड़ने के बाद। सो अभी हम लोग सातारा के तरफ ही जा रहे हैं और टनल है एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, क्या फॉग है और क्या नजारा है। ऐसे कंडीशंस में बाइक चलाने को बहुत बहुत मजा आता है। और गाइस आपको तो मालूम रहेगा कि अपना जो बाइक है मेगाट्रॉन उसके ऊपर मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है। सो इसके ऊपर भी मैं बात करते रहूँगा कि मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है एंड राइडिंग है वो कैसे लगा है। तो थोड़ा टनल का आवाज़ सुनो तुम लोग। अपना जो ऑस्टिन का जो आवाज है उसे सुनो अच्छे से, क्या मजा आ रहा है मुझे राइड के लिए। इतना बेसी एग्जॉस्ट है एंड इट्स नॉट इरिटेटिंग एक्चुअली। अभी सातारा क्रॉस करके हम लोग मैकडॉनल्ड्स पहुंच चुके हैं। सो गाइस यहां तक का जो जर्नी था फ्रॉम पुणे टू सातारा वाज सुपर्ब, बिकॉज टनल्स मिले अपने, उसका जो फुटेज है वो ऑलरेडी देख लिया है। सो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि
मुझे आज फर्स्ट टाइम ZX10R को इतना किलोमीटर चलाने का मौका मिला एंड इट इज़ वेरी गुड। मतलब CBR के कंपैरिजन में मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा निम्बल लगी है। एंड अगर कोई भी अपग्रेड करने के लिए या फिर एक ऑप्शन के हिसाब से 10R को चूज़ करने का सोच रहे तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाइक। यू कैन सी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ तक उसने साथ दिया है एंड अपने बाकी जो राइडर ग्रुप के बाइक्स है, यू कैन सी दिस इज़ अ फैन मोमेंट। नयन भाई, हाउ आर यू? सो गाइज, नयन भाई जो है अपना इस्लामपुर से है और उनके पास ये R15 है, तो मुझे मिलने के लिए खास 70 किलोमीटर दूर से आए। तो भाई, इतना मोटिवेशन आपको कैसे आपसे मिलने के लिए? अरे थैंक यू। उधर ना, हाँ लास्ट टाइम तू इधर आ गया। बराबर, कुछ नहीं मतलब ऐसी अभी जान पहचान है ना। हाँ, अच्छा लगता है कोई अपना तो उधर से आ रहा है। बराबर है, मिलने के लिए जाना पड़ता है ना। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। और आप IBW नहीं आ रहे? IBW नहीं आ रहे। अरे ओके, अभी तो 12:30 ही बजे, तो तभी भी टाइम है 1:30 बजे तक। चलो एनीवेज, चलो राइड करते फिर। पब्लिक रिएक्शन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। फोटो निकालने का है? दिखा कैसा आया फोटो? ओ वाओ, मुंबई लाइव फोटो शूट होने वाला है अभी। ओ शिट यार, क्या हो गया? फक, बाइक हायाबुसा गिर गया यार। अरे भाई शिट, अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। भाई एक चीज तो कंफर्म है, अगर ऐसे विलेज एरिया से आप आपकी सुपर बाइक लेके आ रहे हो तो यू शुड बी मोर कॉशियस, मतलब 2x कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है आगे, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अच्छा हुआ कि कुछ आगे बात बढ़ी नहीं, छोटे मोटे में निकल गया। सो अभी फाइनली हम लोग अपने विला में पहुँच गए, थोड़ा फ्रेशन अप किया और अभी हम लोग का आगे का और प्लान्स जो है वो चलेगा। सो गाइज, एक्चुअली मैं आपने इसके पहले का जो फुटेज है वो देख लिया था कि ये एक हायाबुसा राइडर था, वो जो स्लिप हो गया था, तो उसके साथ एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बाइक भी सही है। बट ये इसके बाद एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। सो हमारे साथ एक राइडर था, तो उसका बेसिकली ना ये हुआ था कि नया राइडर था, तो मैं वो टाइम पे वहाँ पे नहीं था, तो जो था मैं उसका स्टोरी जो है उसके आप उसके जबानी सुनो। सो विनीत भाई, एक्चुअली में आप वहाँ पे थे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ? सो वो जो बंदा अभी वो ज्वाइन किया, ही वाज राइडिंग अ 150cc बाइक। ओके, वो हाफ वे ज्वाइन किया हम लोग को उसने, एंड ही वाज नॉट अवेयर अबाउट हाउ द ग्रुप जैसा फॉर्मेशन है, और रैंडमली गाड़ी चला रहा था। ओके, रॉन्ग ओवरटेक कर रहा है, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, ऑफ रोड जाके ओवरटेक कर रहा था, एंड एक ऐसा पॉइंट आया कि इट वाज अ ब्लाइंड टर्न। ओके, और उसमें वो बंदे से गाड़ी कंट्रोल हुई नहीं, और जस्ट मेरे साथ मेरा आगे चल रहा था वो, टर्न के बदले इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट टर्न वो सीधा आगे चला गया, और ऑफ रोड जाके इट वाज लाइक अ गटर, इट वाज अ ड्राई गटर,
ओके, गाड़ी उसमें गिरी एंड और सामने एक छोटा सा बोला ना बड़ा रॉक का टुकड़ा था. सो हिज हेलमेट बैंड ऑन द रॉक एंड ही ऑन द स्पॉट गॉट अनकॉन्शियस. नहीं बट उसमें उसको थोड़ा ब्लड वगैरह भी आया ना सिर से. तो क्या हो गया, हम लोगों ने उसका हेलमेट निकाला नहीं बिकॉज हम लोग को मालूम नहीं बिकॉज वो बेहोश पड़ा था गाड़ी के ऊपर. उसको उन्होंने उठाया रोड पे लिया एंड वी मेक हिम बोला ना छाव में बैठ के थोड़ा हवा वगैरह मारने लगे. ही वॉज नॉट स्पीकिंग, उसे उसकी मुझसे आवाज़ नहीं निकल रहा था. बाकी लोकल लोग जमा हुए एंड लकीली फटाफट सबने एक्शन लिया, दे कॉल्ड एम्बुलेंस. नहीं मुझे भी फ़ोन आया था बट वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं एक्चुअली मैं 20-30 किलोमीटर्स आगे था एंड जितना मुझे पता चला उसमें यही चीज़ था कि एम्बुलेंस आया था एंड पुलिस का गाड़ी भी आया था. बिकॉज उन्होंने जैसे हम लोग पहुंचे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ना, हाँ, उसके थोड़े पहले उन्होंने देखा था कि पुलिस लोग चेकिंग कर रहे थे. ओके ओके, जो लोग जा रहे थे उस तरफ उस डायरेक्शन में उनको हमने बोला कि वहाँ पे आगे इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ. ओके, हम लोग कंफ्यूज थे बिकॉज वो एक्सपल्स वाला जो हमारे और दो एक्सपल्स थे. हम लोग आई नो हमारे किसी बंदे का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बंदे से किसी का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था. डायरेक्टली रैंडमली ज्वाइन द ग्रुप. ओके, वो भागने लग गया था. गॉट इट. लकीली सब सेट हो गया. वो भी जब हॉस्पिटल में फैमिली से उसके गॉट इट कजन या कोई तो हॉस्पिटल पहुँचा था. नाउ सीटी स्कैन वगैरह डॉक्टर ने करने बोला है उसको बिकॉज इट वॉज लॉट ऑफ इंटरनल इंजरीज. ओके, हम लोग हेलमेट निकाल डर क्यों रहते थे उसके नाक से लिविंग चल रहा था. यू आर नॉट रिमूविंग द हेलमेट एंड वी लेट दी ऑफिशियल्स टू द उसका फ़ोन वगैरह उन्होंने लिया, उसका पासवर्ड उसको पूछा. लकी उसने बता पाया हमको पासवर्ड क्या है करके. ओके, एंड अनलॉक करके जो रिसेंट डायरी वर्क थे उसको मैंने फटाफट कॉल किया. वहाँ से हमको लीड मिला कि क्या उसका रिलेशन है. Got and it. That guy was riding to IBW for some reason, but unfortunately उसका भी आंसर नहीं आया. ठीक है. Because guys please, अगर आप एक मेरे तरफ से एडवाइस सबके लिए, if you are not बोला ना experienced, अगर आप नए रोड पर जा रहे हो अपना लिमिट्स पुश मत करो किसी पे रहने के. अगर आपके पास साथ में बड़े बाइक्स है और आपकी गाड़ी थोड़ी छोटी सी सी में है, डोंट ट्राई टू पुश योर लिमिट्स बिकॉज आगे जाके वो आपको मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं रोकेंगे. ओके, सो एक्चुअली मैं गाइस यही सीन हुआ था कि जो नया राइडर था उसको बेसिकली यही सीन हुआ था कि ही वॉज जस्ट पुशिंग हिज लिमिट्स. सो हमको उसका आइडेंटिटी जो है वो मेंशन नहीं करना है बिकॉज इट इज़ नॉट गुड टू मेंशन एनीवन कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है या वॉट एवर इट इज़, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड. बट आपको बेसिकली आप लोगों को एक ही एडवाइस रहेगा मेरी तरफ से कि अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो डोंट एवर ट्राई टू पुश योर लिमिट्स. एंड अगर आपके साथ सुपर बाइक्स है तो उनको कम्पीट करना या फिर यू वॉन्ट टू बी अहेड ऑफ द ग्रुप और एनी थिंग विच इज़ समथिंग विच यू शुडेंट डू, ये सब चीज़ आप मत करना. एंड इसके वजह से ही हम लोग ने आगे का जो मेरा जो फुटेज है या फिर व्लॉग है ये मैंने बंद कर दिया था और अभी फाइनली हम लोग विला में आए. सो एनी वेज गाइज, ये IBW का सीरीज था, इसका सीरीज का पार्ट वन था. सो और भी सीरीज के पार्ट्स आने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर. सो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. ओके, सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ और अपना हेलमेट जो है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत. साइनिंग ऑफ, बाय बाय.